लास्ट क्लास में कितने कब तक कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था? 9.11 हो गया था, 11 तक हो गया था क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स में एनसीईआरटी का क्वेश्चन 9.12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन विथ ए नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ एफ नॉट। तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे रखा है आपका, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ नॉट, दिस इज 8 mm। एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस का फोकल लेंथ दे रखा है आपका 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस के लिए, 9 mm डिस्टेंस पे रखा गया। मतलब एक क्या दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए दिया हुआ है ऑब्जेक्ट लेंथ, दिस इज -9 mm। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंस, दो लेंस के बीच का आपको सेपरेशन निकालना है। और स्टार्टिंग में क्या देखे दिया हुआ था, अ पर्सन विथ ए नॉर्मल रियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, दिस इज डी इक्वल टू दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर बी। तो क्या क्या निकालना है, तो सेपरेशन निकालना है बिटवीन दी टू लेंसेस के बीच में, और कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। फाइंड आउट करना अपने को सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन लेंसेस एंड मैग्नीफाइंग पावर आपको, मैग्नीफाइंग पावर, ये दो चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बी हो गया, दैट मींस ए हो गया आपका इमेज डिस्टेंस फॉर द आईपीस। अगर इमेज डिस्टेंस निकालें वीई, दिस इज -D, ये हो गया आपका -25 सेंटीमीटर। तो करते हैं सॉल्व वन बाय वन। तो सबसे पहले इसमें आप लगा दो लेंस फॉर्मूला, जिससे कि आपको निकल जाए क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा आईपीस से। तो करते हैं सॉल्व, लेंस फॉर्मूला लगा दे आप इसमें, लेंस फॉर्मूला 1/V -1/U =1/F। तो फिलहाल तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है आईपीस से, ई फॉर आईपीस। तो ये हो जाएगा आपका 1/IPS का इमेज डिस्टेंस माइनस आईपीस का फोकल लेंथ, दोनों वैल्यू रख दें। दे दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस दे रखा है -25 और फोकल दे रखा है। तो एक सेकंड इसमें क्या करो, सबकी यूनिट चेंज करना अपने पड़ेगा, क्योंकि कुछ एमएम में है और कुछ सेंटीमीटर में है। तो सब एक काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर में ला लेते हैं, 8 mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 0.8 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में ही है,
ये 9 mm है, इसको भी 10 से आप डिवाइड कर दे तो 0.9 सेंटीमीटर। ये डी तो सेंटीमीटर में ही है, हाँ बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये चेंज हो गए। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2.5। तो 1/u इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 25 माइनस 1 माइनस 10, दिस इज माइनस 11/25। इमेज डिस्टेंस हो गया माइनस 25/11, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 2.27 सेंटीमीटर। ये तो आपको आ गया आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब निकाल लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगेन फॉर्मूला लगाते हैं, 1/V0 माइनस 1/U0 इक्वल टू 1/F0। तो 1/V0 इक्वल टू 1/F0 प्लस 1/U0। तो 1/V0 इक्वल टू ये हो गया आपका 0.8 माइनस 1/0.9। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 0.72, 0.9 माइनस 0.8, ये हो गया 0.1/0.72। तो वी नॉट हो गया आपका 7.2 सेंटीमीटर। ये आपका ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस आ गया। अब दोनों लेंस के बीच क्या निकालना था आपने को, सेपरेशन निकालना था। ये क्वेश्चन कह रहा है सेपरेशन बिटवीन दी लेंस, दोनों लेंस के बीच आपको क्या निकालना, सेपरेशन फाइंड आउट करना। तो द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस की बात कर रहे हैं। तो दिस इज प्लस वी नॉट, तो आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ मोड लगा दिया। ये हो गया 2.27 और इधर हो गया आपका 7.2, इसको अपन ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर। तो एक काम तो हो गया आपका। अब माइक्रोस्कोप का आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो जैसा कि कल के क्लास में मैंने किया था 9.11 में बताया था फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो वही फॉर्मूला लगा दे, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी। दिस इज, अब इसमें सारे वैल्यू रख देते हैं, 7.2, 0.9, दिस इज 1 प्लस 25/2.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8, अब दिस इज 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10, तो दिस इज 88। ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 88। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.13, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अभी तक 9.11 और 12 क्या था, माइक्रोस्कोप पे था क्वेश्चंस, और ये आपका 9.13 जो है वो टेलीस्कोप पे है, टेलीस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफ नॉट, दिस इज 144 सेंटीमीटर, एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। आईपीस का फोकल लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आपको क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, और व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंस, और क्या लेना है निकालना आपको, सेपरेशन बिटवीन द लेंस। तो सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का पता है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ
अपॉन आईपीस का फोकल लेंथ, तो दिस इज 144 अपॉन 6, ये हो जाएगा आपका 22। एक आंसर तो हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है आपका, सेपरेशन बिटवीन द लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस की बात कर रहा है। दिस इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ प्लस आईपीस का फोकल लेंथ। दिस इज 144 प्लस 6, ये हो गया आपका 150 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। तो मैग्नीफाइंग पावर भी निकल गया और सेपरेशन बिटवीन लेंस भी आपको फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9.14, अ जेंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ना, ये भी आपका टेलीस्कोप का ही है, एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे रखा है आपका 15 मीटर। इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, आईपीस का फोकल लेंथ दे दिया आपका 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, क्या निकालना है आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इफ द टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, अगर टेलीस्कोप को आप मून को देखने के लिए अगर यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मून 3.4826 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मतलब डायमीटर ऑफ द मून आपका दिया हुआ है। ये बेसिकली आपको किससे, डायमीटर ऑफ द मून, तो डायमीटर ऑफ द मून दे रखा है 3.48 × 10⁶ मीटर एंड द रेडियस ऑफ द रेडियस दे रखा और 3.8 × 10⁸ मीटर। तो मून का निकालना है, मून का दिया हुआ है और ऊपर तो क्या निकालना, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज, इमेज ऑफ द मून माने इमेज ऑफ द मून, मून के इमेज का डायमीटर निकालना है, जबकि ए डायमीटर मून का दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। दिस इज डायमीटर ऑफ मून दिया हुआ है और अपने को मून के इमेज का डायमीटर निकालना है, तो निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको आप, इसको मान लो आप डी डैश मान सकते हैं, आप करते हैं सॉल्व, तो एंगुलर मैग्निफिकेशंस को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था ना वैसे निकालना है। एंगुलर मैग्निफिकेशंस अल्फा इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई, दिस इज 15/1, यहाँ 15 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है, तो मीटर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, 1500 हो जाएगा यहाँ पर 1500, तो दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन पावर हो गया आपका 15 मीटर। तो डायमीटर ऑफ द मून दे रखा है, दिस इज मीटर्स, और रेडियस ऑफ द मून भी दे रखा है आपका, दो डायमीटर रेडियस दोनों दे रखा है, और डी डैश मान लेते हैं डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। तो बेसिकली इसमें क्या अप्लाई करोगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, मतलब डायमीटर ऑफ मून के द्वारा जो एंगल बन रहा है वही एंगल आपके उसके इमेज के द्वारा बनेगा। तो बेसिकली इसमें फॉर्मूला आपका लग जाएगा डी अपॉन आर डी डैश अपॉन एफ नॉट ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिलहाल तो क्या निकालना है, डी क्या दे रखा है आपका, डी दे रखा है 3.48 × 10⁶, आर नॉट दे रखा है आपका, इसको अपन आर नॉट ऑब्जेक्टिव रेडियस है, ऑब्जेक्ट है ना मून, इसलिए उसका रेडियस
थ्री पॉइंट एट इंटू 10^8 डी डैश आपको फाइंड आउट करना है और एफ नॉट दे रखा है 15। अब बोले सर यहाँ क्यों नहीं चेंज किया, जरूरत नहीं है क्योंकि डायमीटर ऑफ मून भी आपका मीटर में दे रखा है और रेडियस भी मीटर में दे रखा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ भी अपन मीटर में ही ले लेते हैं। तो डी डैश क्या हो गया आपका 3.48 इंटू 10^6 और 3.8 इंटू 10^8 इंटू 15 इधर चला जाएगा 15। तो इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा आपका 13.74 इंटू 10^-2 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो डायरेक्ट हो जाएगा 13.74 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, मतलब डायमीटर ऑफ द मून इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 13.74 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9.15। यूज द मिरर इक्वेशंस, क्या आपको करना है मिरर इक्वेशंस यूज करना है, करना है यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है आपको, एफ एंड 2f के बीच बन रहा है ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूस ए रियल इमेज बियॉन्ड 2f, और इमेज कहाँ बन रहा है आपका, इमेज बन रहा है आपका बियॉन्ड, इमेज बन रहा है आपका बियॉन्ड 2f एक कंकेव के लिए। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इसका सेकंड पार्ट है अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर जो होता है वो आपका वर्चुअल इमेज बनाता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑब्जेक्ट के मतलब कोई नहीं है। द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनाइज्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। An object placed between pole and focus of a concave mirror, a virtual and enlarged image. देखिए, तो इसके questions क्या कह रहे हैं कि concave mirror अगर मैं concave mirror की अगर बात करते हैं तो concave mirror के केस में क्या होता है आपका focal length is less than 0, मतलब नेगेटिव्स में आता है, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्या अगर मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं तो आपका यू भी क्या आता है लेस देन 0 ही आता है, यू भी नेगेटिव्स भी आता है। तो इससे अगर मैं इमेज डिस्टेंस निकालता हूं 1/v - 1/u = 1/f है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/v = 1/f प्लस 1/v निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 1/u 1/f ए प्लस हो जाएगा, मिरर फॉर्म में लगा रहे हैं ना, ए प्लस हो जाएगा तो इधर वाला जो हो जाएगा आपका ए 1/u ए माइनस में आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट लाइज कहाँ कर रहा है, एफ और 2f के बीच में लाइज कर रहा है, मतलब अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं तो यू लाई बिटवीन 2f एंड f के बीच में लाई कर रहा है, और यहाँ तो अपने को 1/u है तो इसको काम करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो f u दिया हुआ था इन बिटवीन 2f एंड f, और आपने जो इक्वेशन बनाया है 1/u है, तो एक काम करते हैं इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, और अपने मैथ्स में इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा कि अगर इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो 1/2f 1/u 1/f। अब एक काम करते हैं क्योंकि u क्या है माइनस में है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते सभी में, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं अगेन इनइक्वालिटी विल चेंज। तो -1/2f - 1/u - 1/f। तो
ये हो गया, और यहाँ क्या दे रखा है, वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू। तो एक काम करते हैं, वन अपॉन एफ जो है तीनों में ऐड कर देते हैं, तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन टू एफ, और दिस इज वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू, और इधर वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एफ। तो इसको इधर ये तो हो गया वन अपॉन टू एफ हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और यहाँ वन अपॉन एफ इसकी वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है वन अपॉन वी, दिस इज वन अपॉन वी, और इधर तो ये कैंसल आउट हो गया, ये तो हो गया जीरो। तो ए वन अपॉन वी, तो वन अपॉन वी इज निगेटिव, तो क्या होता है वी निगेटिव, मतलब ये तो वन बाई वी कभी जीरो से लेस देन तो कभी होगा ही नहीं, मतलब ए वाला पोर्शन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो वन अपॉन टू एफ इज लेस देन वन अपॉन वी, अगेन इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तीन इक्वालिटी विल चेंज, वन अपॉन टू एफ इज ग्रेटर देन वी, और अगर वी को पॉजिटिव तो माइनस से अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वी इज ग्रेटर देन माइनस टू एफ, मतलब इससे क्योंकि इसमें दिए हुए था ना कि इमेज जो बन रहा है बियॉन्ड टू एफ बन रहा है, बियॉन्ड टू एफ बन रहा है, ये अपने को लाना था, तो मतलब तो इमेज ये दिया हुआ था कि इमेज लाइज बियॉन्ड टू एफ, कंकेव मिरर की बात कर रहे थे, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ ग्रेटर देन जीरो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन जीरो, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड होते हैं ना, तो यू इज लेस देन, और फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन जी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, वन अपॉन वी हो गया वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू। ऊपर जो इसके पहले जो इक्वेशन था कहाँ गया, दिस इज इस इक्वेशन की बात करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, अच्छा इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वी आ गया आपका लेस देन जीरो, मतलब इनइक्वालिटी चेंज करो तो वी इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ इमेज क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज इज फ्रॉम ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, क्योंकि वी पॉजिटिव आ रहा है ना, यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव है, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड बन रहा है, मतलब अगर लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट तो इमेज जो बनेगा वो बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगा, तो हेंस कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बनना समझ। अब देखें सेकंड पार्ट, इसके और भी अन्य पार्ट है कि अगर कन्वेक्स मिरर का ही पार्ट है कि एफ इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एफ इज पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड, यू इज लेस देन जीरो, तो इमेज डिस्टेंस ऑफ मिरर फॉर्मूला सेकंड कॉन्वेक्स का ही सेकंड पार्ट है, तो वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ, तो वन बाय वी इक्वल टू वन बाय एफ माइनस वन अपॉन यू, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, बट यू क्या है आपका लेस देन जीरो, यू आपका लेस देन जीरो है, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो वी इज लेस देन एफ, तो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि इमेज फॉर्म इज डिमिनाइज एंड लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड पोल के बीच लोकेशन होगा। कन्वेक्स का ही आपका थर्ड पार्ट है, एफ इज लेस देन जीरो, यू इज लेस देन जीरो,
और इसमें थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि इमेज, इट इज इमेज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, यू जो है फोकस एंड पोल, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, दिस इज इमेज, ऑब्जेक्ट जो है फोकस और जीरो, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वन अपॉन एफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू इज दिस लेस देन जीरो आ गया। तो अकॉर्डिंग टू इसको अगर करेंगे, इसको अगेन फिर से यूज करेंगे दिस, तो इसको यहाँ यूज करना है, मैंने यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा ये दोनों पोर्शन। तो इसमें क्या कर करेगा कि ए लेस देन जीरो है, तो वन अपॉन वी इज लेस देन जीरो, तो वी इज ग्रेटर देन जीरो, वी पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स इमेज फॉर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, एंड इट इज द वर्चुअल इमेज इस केस में बन जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया आपका कि फोर यू इज लेस देन जीरो एंड वी इज ग्रेटर देन जीरो, तो दैट मीन्स वन अपॉन यू इज ग्रेटर देन वन अपॉन वी, दैट इज वी इज ग्रेटर देन यू, अब वी इज ग्रेटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी बाय यू इज ग्रेटर देन वन, और वी बाय यू क्या होता है आपका, मैग्नीफाइंग पावर, मतलब मैग्नीफाइंग पावर आपका क्या आ गया, एम क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन वन, और मैग्नीफाइंग अगर ग्रेटर देन वन हो दैट मीन्स इमेज फॉर्म इज इन लार्ज, इमेज आपका क्या बनेगा, इन लार्ज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.16, अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन ए टेबल टॉप इज व्यू फ्रॉम द एबव फ्रॉम ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, मतलब एक स्मॉल पिन को आप टेबल के ऊपर रखें और उसको व्यू फ्रॉम एबव, और जस्ट पिन टेबल के ऊपर से आप देखें, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, मतलब क्या दे रखा है, ये आपका दे दिया एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द पिन दे दिया, दिस इज 15 सेंटीमीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी द पिन अपीयर टू बी रेड इफ इट इज व्यू फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू है 15 सेंटीमीटर थी ग्लास स्लैब हेल्ड पैरेलल टू द टेबल के पैरेलल, एक 15 सेंटीमीटर ग्लास स्लैब रख देते हैं, तो अपने को इसमें बेसिकली क्या निकालना है, अपरेंट डेप्थ निकालना है, जब आप ग्लास स्लैब रख दें तो क्या इमेज बनेगा, अपरेंट डेप्थ ऑफ द पिन आपको डी डेस ए निकालना, ग्लास की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको पता है, और दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कर दे ही रखा है, एग्जाम में भी दे देगा 1.5, तो रेशियो ऑफ, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, रेशियो ऑफ द एक्चुअल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ, तो डी अपॉन डी डैश, तो डी डैश हो गया डी अपॉन न्यू, डी है आपका 15, म्यू है 1.5, तो अपरेंट डेप्थ हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस तो बेसिकली क्या निकल जाएगा, द डिस्टेंस एट विच द पिन अपीयर टू बी रेस्ट, मतलब कितना ऊपर आपको रेस्ट अपीयर्स टू बी रेज, दिस इज डी डैश माइनस डी, यानी अपरेंट डेप्थ माइनस एक्चुअल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ आपका क्या निकल गया 10, और डी है आपका 15, डी डैश कितना निकला, एक काम कर देते हैं, ये फॉर्मूला आपका दिस इज एक्चुअल हो जाएगा, डी माइनस डी डैश हो जाएगा, दिस इज मॉड से भी मॉड लगा के भी काम चला सकते हैं, 15 माइनस 10 दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये हो गया
फॉर अ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस द डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ स्लैब से कोई मतलब नहीं है इसके। एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर शो क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। तो ग्लास फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 दिया हुआ है। द आउटर कर्वेज कवरेज ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आउटर पार्ट जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.44। व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, मतलब क्या निकालना है, रेंज ऑफ एंगल इंसिडेंट रे विद द एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर विच टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक प्लेस एज शोन इन फिगर, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन है। एंड व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरेज ऑफ पाइप, अगर आउटर कवरेज नहीं हो तो क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो दिक्कत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज आर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस दिस इज आई डैश। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ द इनर कोर टू द आउटर कोर क्या हो जाएगा, इनर कोर टू द आउटर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू वन अपॉन, ये मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बताया था आपको, अगर याद हो तो साइन आई डैश दिस इज म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो म्यू वन हो गया आपका म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो म्यू वन आपका है दिस इज 1.68 अपॉन 1.44। इसको डिवाइड करें क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करके आप इनवर्स निकाल लेना, साइन इनवर्स इससे आई डैश आ जाएगा आपका एंगल, ये आपका एंगल आ जाएगा, मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पी आई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो तो उस समय जो इंसिडेंस एंगल जो होता है इंसिडेंस का दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, मतलब आई इज ग्रेटर देन आई डैश। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको नाम दे देते हैं आर मैक्स, दिस इज 90 माइनस आई डैश, 90 माइनस 59 डिग्री, मतलब ये हो गया आपका 31 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आई मैक्स विद द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेते हैं, न्यू वन दिस इज साइन आई मैक्स अपॉन साइन आर मैक्स, इससे साइन आई मैक्स निकल जाएगा, म्यू वन कितना है 1.68 और साइन आर मैक्स मतलब साइन 31 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.865, इससे क्या निकल जाएगा आपको आई मैक्स निकल जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स 0.865, ये आ गया आपका अप्रॉक्स 60 डिग्री, मतलब दस ऑल द इंसिडेंट रे लाइंग बिटवीन 0 से 60 के बीच लाई करेगा विद सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जब लेयर को अपन ये कवर अप करके रखे हुए हैं।